अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेड ए मलिक और तहलका की अगली किस्त के साथ फिर आपके सामने मौजूद। और हज़्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और हमें हर दफ़ा अच्छी नई ताज़ी दिलचस्प खबरें सुनाने के लिए किरण खान। और किरण खान के साथ मौजूद हैं फिर आज लड़ाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले पंजाबी हमजा याज और पठान आमिर खान। आज लड़ाई क्यों कर रहे थे हम इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने साथ मौजूद जो आज की हमारी सिंगर हैं नादिया राजपूत, हमेशा की तरह मधुर खूबसूरत आवाज़ में आपको सुनाएंगी ऐसा गाना कि माहौल तारी कर देंगी। और हमारी आज की एक बड़ी स्पेशल गेस्ट नाज़रीन, आज हमने खसूसी तौर पर इन्हें मधु किया है। आप अक्सर इन्हें देखते हैं प्रोग्राम गॉसिप्स विद रोमैसा की मेज़बानी करती हैं और हर प्रोग्राम में नए से नया मेहमान बुलाती हैं और उस मेहमान को हमें जानने का मौका देती हैं। एंकर पर्सन हैं और इससे न्यूज़ कॉस्टर भी हैं और बड़ी अच्छी साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोमैसा कुरैशी, हम रोमैसा कुरैशी से भी बात करेंगे और आज इनसे बहुत सारी बातें हमने पूछनी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं रोमैसा कुरैशी की तरफ चलूं, मैं सबसे पहले जाऊंगा आज हम पठान और पंजाबी की तरफ के ये लड़ गए, इजाज़त है ना रोमैसा, क्योंकि ये दोनों लड़ते हुए अक्सर पकड़े जाते हैं और आज मैं फिर इनसे पूछना चाहूँगा लड़े क्यों, और आपने भी इनकी सुलह कराने में मेरी मदद करनी है क्योंकि बहुत लड़ते हैं आपस में। क्यों लड़ाई कर रहे थे आज आप दोनों? सर जी ये मुझे कहता है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो मैं इसके साथ चला गया। आगे जिस टाइम हम रेस्टोरेंट में पहुंचे तो खाना तो इसने मुझे खिला दिया। जब बिल देने की बारी आई तो खुद कहता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वहाँ से भाग गया, बिल सारा सर जी मेरे पास, मेरे पे आपने और मेरे पास सर जी पैसे भी नहीं थे, उन्होंने सारे पाने मेरे थे, सारे बर्तन आपसे दोनों ने धुलवा दिए, उन्होंने ऑफर दिए बर्तन धो लो जाने। नहीं लेकिन खाना तो आप खिलाने लगे, बिल तो आपको देना चाहिए। आप इसका मुंह देखे और मेरा देखे, सारा खाना भी खा के पांडे भी फिर मैं तो नहीं देखिए आपको क्या खाना खिलाने और खा भी खुद गया, देखे ना मुंह देखे हमें, ये तो गलत बात है, किया था कि ये खिलाएगा। अच्छा नहीं ये तो कह रहे हैं कि आमिर ने वादा किया था खिलाने जी, खिलाई इसने चिकन है लेकिन जो इसका मुंह ऐसे जैसे मांस की दाल है। नहीं ये तो गलत बात है आमिर, अगर आप इन्हें खिलाने के लिए ले गए थे तो फिर बिल तो आपको देना चाहिए था। ऐसे ही है, ये तो आपने बड़ा जुल्म किया है हमजा के साथ, तो यही बात थी दोनों के लड़ने की। बिल्कुल सर जी, तो ये तो देखे चलो अब कोई नहीं, अब आपने तो बर्तन जो धोने थे धो लिए, जो मार खानी थी खा ली, अब क्या हो सकता है वो तो वापस आने सर जी इसका बदला तो मैं उतारूंगा। नहीं देखें अब पठान बेचारा बड़ा अच्छा आदमी, पठान अच्छा आदमी है रोमैसा, ये तो इनके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और इनके चलते रहते हैं। आप सुनाएं, आप प्रोग्राम करती हैं गॉसिप्स विद रोमैसा, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, उसमें आप बहुत सारे मेहमानान को बुलाती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज तक जितने भी आपने मेहमान उस प्रोग्राम में बुलाए, सबसे ज़्यादा मज़ा किस मेहमान के साथ है, किसी से अच्छा लगा के प्रोग्राम करके, मतलब पता लगा हो कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में मधु किया और बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। मैं सोचती थी कि जब भी कभी किसी के भी शो में जाऊंगी एज अ गेस्ट, तो मेरी गुजारिश होगी कि वो मुझसे ये सवाल करें, और इत्तेफाकन आपने खुद से ही कर दिया, मुझे पता चल गया था जरूरत नहीं पड़ी। वो हम लोग आपको पता है कि जब गेस्ट आते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसा हमने सवाल किया है वो उस तरह से या उससे अच्छा जवाब हमें दे, क्योंकि पॉइंट आंसर देना ये इतना अच्छा नहीं लगता है, एक तो इंप्रेशन भी सही नहीं पड़ता और उस तरह से हमारे सवाल का जवाब भी नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए लेकिन जो अब तक का सबसे अच्छा प्रोग्राम मेरा गया है वो एक एडवोकेट थे और उनका नाम था जहीर अवान। वाह मलिक, जहीर अवान साहब के साथ, वाह उनके सबसे मजा आया, ज्यादा मजा आया प्रोग्राम करके, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से मैं सवाल कर रही थी वो मुझे उतना अच्छे तरीके से उसका जवाब दे रहे थे, और क्योंकि उस प्रोग्राम में अवेयरनेस बहुत थी, उस प्रोग्राम में बहुत अवेयरनेस थी, इन्फॉर्मेटिव बहुत था वो, और उनके साथ प्रोग्राम करके बहुत मुझे मजा आया। आपको बहुत मजा आया, तो जो पॉइंट जवाब दे ना कैमरा बंद करके रिकॉर्ड किया। नहीं टू द पॉइंट तो मेहमान की अच्छी बात होती है आमिर, के वो टू द पॉइंट जवाब देते हैं। ये अपने मशवरे हैं, जब इनको प्रोग्राम में मिलेंगे ना तो तब ये कैमरा बंद करके रिकॉर्ड, मतलब आपको जब गेस्ट बुलाया जाएगा रोमैसा, हो सकते हैं आपको किसी टाइम बुला ही लें, तो पठान बड़ा अच्छा आदमी, आप अपने प्रोग्राम में रोमैसा इनको भी बुलाइए। सर जब ये के प्रोग्राम का नाम होगा ना गॉसिप्स विद डंगर्स तो तब ये आएगा। ठीक है तो किरण आज अभी आप खबरें लेके आई हुई हैं, आज की क्या खबरें हैं, क्या हमें खबरें सुनाएंगी? सबसे पहली खबर क्या? आज की सबसे पहली खबर है ना वो काफी दिलचस्प है। अच्छा जी जी बिल्कुल जी।
अब बोलूं? वो एक लगता है ना प्रोग्राम जिसमें कहते हैं अब मैं बोलूं कि ना बोलूं है वो इस कौन बने का क्रोध पाकिस्तान का था एक बरतानवी एक सवाल पे कितने नाम है नहीं ये तो खबर है सवाल नहीं है चलें जी सर सर बरतानवी जामे से जादू टोने में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट करवाया था रोमैसा यूनिवर्सिटी है कह बता रही हैं बरतानिया की जिसने एक नई डिग्री का ऐलान किया है जिसमें जादू टोने के पे भी अब डिग्री दी जाएगी क्या कहती हैं आप इस बारे में जादू टोने की डिग्री पहली दफा हमने सुना है जो जादूगर ग्रेजुएट होंगे या जिन जादूगरों ने मास्टर्स किया होगा वो जाना लेकिन खोपड़ी इसकी लेके जाना तो आपसे मैं पूछ रहा था कि जादू टोने की डिग्री लेने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी जादूगर तो जो चाहेगा जादू से ले आएगा देखिए यहाँ पर तो मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ा वैसे मजाकिया उसमें लेकर चले गए लेकिन ये बड़ी सीरियस बात है और नोट कर ले देखिए हर देखिए जिस तरह हम पाकिस्तान है और हमारा मजहब इस्लाम है उसमें तो इस चीज़ की इजाज़त है भी नहीं तो आई थिंक अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो उनके हिसाब से ठीक होगा अगर पाकिस्तान में होता तो फिर तो यहाँ भी जादू टोने की डिग्री दी जा रही है यहाँ पर अली टोने ने भी लेनी थी तो अगर लड़की पढ़ाई में लिस्ट होती है तो लाजमी होती है वो अपने लिए जादू टोने की डिग्री निकाल ऐसे ही है ठीक हो गया सर दूसरी खबर है वो बड़ी दिलचस्प है अच्छा जी जी हाँ जी चीन में शादी के टाइम जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है रास्ते में सब टायर पंचर हो गया जब अभी वो दुल्हन के पास पहुंचा नहीं मतलब बारात लेके जाता है उधर तो उसे सब रोक लेते उसकी गाड़ी रोक लेते और मुतालबा क्या करते हैं बड़ा दिलचस्प है मुतालबा ये करते हैं कि पैसों के साथ सिगरेट पी दो अच्छा पैसों के तब दुल्हन लेकर जाओ तो पैसों के साथ गाड़ी नहीं होगा कि सिगरेट देगा कि नहीं इतने पैसे हैं कि नहीं पठान तो वैसे ज्यादातर नस्वार खाते हैं तो ये आमिर ऐसा तो नहीं होगा आप आपकी जब बारात जाएगी तो आप रोक के कैद नस्वार मांग लो उसने तो सिगरेट मांगे ऐसे तो नहीं होगा अच्छा जी मेरी भी एक बार ना मेरे कार ऐसा रिश्ता लेना मेरे शादी से मैनू दे अब्बे ने ना चार फरमाइशा मेरे सामने रखी है कहने तू मैनू 20 किलो आटे का त्रोड़ा ते 1 लीटर पेट्रोल 5 किलो चीनी मेरे सामने लेके आता मैं अपनी टी दे दे जारी बात है आपका वजन देख के उसे पता हो ये नहीं ला सके मैं उन्होंने एक ही गल की है मैं क्या कि साजी ये चीजें काटनी हो सकी कहने काटनी हो सकी मैं क्या फिर पैन मेरे में सलाम कहना एक मेरा दोस्त था उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये हार लेकर गया सोने अच्छा। वो भी चुरा के तो वो पूछ रही थी कि कितनी कीमत है कह रहा है कुछ भी नहीं 3 साल के तो 76 अलग ठीक हो गया तो रोमैसा ये क्या कहती हैं कि इस तरह गाड़ी को रोक लेना और आपको पता है कि सिगरेट का मुतालबा करना सिर्फ मशहूर होने के लिए तो नहीं किया गया होगा ये देखें आपने क्या मुतालबा करना क्या हुआ आपने क्या मुतालबा करना है देखिए मैं अगर दूल्हा होती तो जरूर बताती नहीं वैसे दुल्हन वाले ना दुल्हन भी करती है जरूरी तो नहीं है कि दूल्हा करेगा वो उस सिचुएशन पे देखा जाएगा ना नहीं कभी लिपस्टिक ही मांगनी थी मेरी में गई लड़कियां लिपस्टिक और नेल पॉलिश पे खुश हो जाते हैं इनके मुताबिक हैं ऐसे नहीं है लड़कियां नेल पॉलिश लिपस्टिक पे नहीं खुश होती हैं लेकिन आजकल अपडेट हो गया साजी आजकल लड़कियां फरारी मांगती हैं अच्छा जगुआर मांगती हैं या फिर साजी 3 मरले गा अब एक भी नहीं मांगेंगे नहीं नहीं मैं यहां पे बताऊंगी आपको अब मांगती नहीं है अब वो खुद खरीदती है वाह वाह जबरदस्त लड़कियां जनाब अब लड़के को खरीदती है लड़का फिर उनको दे देता है अगली खबर क्या है किरण आज हमारी अगली खबर है हमारे पास कि अमेरिका में जो है सर एक रेस्टोरेंट में मेकअप हाँ। थोड़ा काट रही कि था रेस्टोरेंट में खाने की जब कोई भी खाने के लिए जाएगा रेस्टोरेंट में तो साथ वो बच्चों के लिए भी अलग से जो है पे करेगा वो इस वजह से कि वहां पे बच्चे तंग करते हैं उसके लिए अलग यानी शरारती बच्चों के लिए उन्होंने जिन वालदैन के शरारती बच्चे आएंगे उनसे ये कहा जाएगा कि जनाब आपने इजाफी बिल देना है तो शरारती बच्चों को कंट्रोल करने का होटल का मंसूबा कैसा है आप क्या समझती है रोमैसा जी 2-3 बार आमिर उधर गया ना इसी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी रख ली मैंने शरारतें की क्या वहां ऐसे बच्चे कहते थे कि आमिर खुद गया था ये आमिर खुद गया था खुद गया था अभी तो बच्चे बने आएंगे मेरा ख्याल है कि अच्छा मुतालबा है ये अगर सर उनको इन कमरे में बंद कर दिया जाए तो जी इसका ये
इसी तरह होता है कि जब आप किसी के भी घर में जाते हैं और आपके साथ बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो मेजबान होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो खाने के बर्तन बड़े कीमती होते हैं, वो टूट जाते हैं, और जब स्पेशली बच्चे उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर नहीं जाना चाहिए और वो चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार ट्यूनिंग की थी सर, वो उसको मैंने चीज का शॉपर पूरा भर के दिया, मैंने उसको कहा यार ये रख ले अभी आस्ता आस्ता खाता नहीं, वो 5 मिनट बाद फिर मेरे पास आया, कहता है मामू चीज खत्म हो गई है, मैं क्या साइड पे साइड में ले उसको, जब मैंने धोल गई ना फिर मामा के पास गए, कहता मामा घर चलते बस चीज नहीं अच्छा नाजरीन चूड़ियों की खनक जैसी खनकती आवाज और आबशार के झरनों जैसी खूबसूरत मधुर आवाज की मालिक नादिया राजपूत हमारे साथ मौजूद है और उनसे एक जबरदस्त सा गाना हम लोग सुनेंगे। बहुत जबरदस्त नादिया की आवाज, आउट क्लास सर, मैं तो कहता हूं एक बार आपने जान दे दिया, नहीं मैंने जाकर ट्रक की नीचे दे दिया सर, ये आसपास चेक करेंगे इससे सांप जरूर निकला होगा वो गाना गा रही थी, बीन नहीं बजा रही, इन्होंने गाना और गाना था ना, तो आमिर ने कटोरा हाथ में ले लेना नहीं कही आमिर, इसको अपने मांगने वाला टाइम याद आ गया नहीं हो सकता है वो कटोरा लेके निकले तो वो आपको जो बिल के पैसे वही दे दे जाए, ये ठीक है फिर तो ठीक है, मदद तो कर सकता है ना वो। अच्छा रुमै साहब मुझे आप बताइएगा कि आप रेडियो पे बतौर आरजे भी जाती हैं और वहाँ पर भी प्रोग्राम करती हैं, तो आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि मुझे मतलब बड़े लंबे अरसे से ये शौक़ था आरजे बनने का, रेडियो पर जाने का, एफएम पर बैठने का और अपनी आवाज़ का जादू जगाने का, तो कैसा लगा आपको, कैसा रिस्पांस मिला जब आपने अपनी वॉइस जब आपकी लोगों ने सुनी, तो क्या इसको क्योंकि लाइव कॉल्स भी आती हैं उन प्रोग्राम में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्चुअली रेडियो मेरा पैशन है, मुझे लगता है कि जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो काम आपका बड़ा अच्छा होता है और जिसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं वो भी अच्छा होता है, लेकिन रेडियो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पैशन है, इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहूंगी, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, शुरू शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि आपको काफी सारी चीजों को देखना होता है, कॉल्स को देखना होता है, स्क्रीन को देखना होता है, पैनल को कंट्रोल करना होता है, साउंड को देखना होता है, बोलना क्या है ये देखना होता है, बड़ा टफ होता है, एक एक आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर आप 2-3 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं या अगर आप डेली रूटीन में आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि मॉर्निंग भी उसमें मॉर्निंग शोज भी होते हैं, इवनिंग भी होते हैं, तो मेरा इवनिंग का था, स्टार्टिंग में मॉर्निंग के भी किए, लेकिन हर प्रोग्राम की नोयत बड़ी डिफरेंट होती थी, स्टार्ट बड़ा हर काम में आप कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग हर काम में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इधर पैसे जो टाइम आप उससे यूज हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपने वो कैसे करना है, कैसे करना है, तो आप थोड़ी आदत हो चुकी है, अब मजा आता है और जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आपका और भी दिल करता है कि और अच्छा करें ठीक हो गया, तो जिस तरह आपने कहा कि मेरी आदत हो चुकी, इंसान की बहुत सारी आदतें बन जाती हैं, और जब भी मैं इस पंजाबी और पठान से मिला हूँ ये लड़ रहे होते हैं तो मुझे लगता है ये लड़ाई इनकी आदत हो गई है,
है ना, ये कहा जा सकता है। तो ये इनकी लड़ाई ख़त्म कैसे, कोई मशवरा दे सकते हैं कि इनकी लड़ाई को पक्की ख़त्म करा दी जाए, जब भी देखो ये लड़ते हुए मिलते हैं। साजी गैस का मुंह दिलवा दे या मुझे मार दे। लेकिन देखिए साजी गंदगी की ताए इस बंदे ने मुंह नहीं। नहीं वजू करते हैं, वो वजू करते हुए मुंह तो धोते होंगे। कतन से तो फिर भाग जाएगा कहीं में भी, यू नो सवाब तो नहीं मिलता। अच्छा मेरा एक सवाल है, कभी आप बैठते हो रेडियो पे? रेडियो पे नहीं बैठते, कुर्सी पे बैठते किसी ने कॉल की हो? क्या हुआ? किसी ने आपको कॉल की हो? हां वो जिसके दिन पूछे किसी ने कॉल की हो कि मैम हम आपकी आवाज सुन सुन के थक गए हैं, कभी हमें अपने शो में बुलाएं डायरेक्ट एज अ गेस्ट रेडियो पे? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा कभी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, मुझे आज तक वैसे देखने में आता ये नहीं कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, आज तक मुझे कोई नेगेटिव कमेंट रिसीव नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई ऐसी कॉल आई है। सो यस, यानी पाकिस्तान के जो सामईन है वो बड़े जबरदस्त हैं, मुहज्जब लोग हैं और अच्छे इकदार के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बड़ा छोटा माइंड सेट है उनका। नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान अब जो तरक्की कर रहा है जबरदस्त, ऐसे ही है बिल्कुल, और जो लोग हैं वो समझदार हैं और तमीज भी उनमें है, उनमें तमीज भी है। तो क्यों ना आज अभी फिर आपको नादिया राजपूत, जिनकी आवाज़ जब भी आपको पता है इनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और हमारे जितने भी अभी तक प्रोग्राम हुए हैं जब इनका गाना सुना है लोगों ने तो बड़ा पसंद किया है, ज़बरदस्त। और अक्सर हमें आता है कि मैम नादिया के ज़्यादा गाने आप शामिल करें प्रोग्राम में, लेकिन सारी बातें हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, तो इनसे कहते हैं कि कुछ और खूबसूरत सा अपनी आवाज़ में गाना सुनाएं। वो जैसे रुमैसा कह रही थी ना कि रेडियो मेरा पैशन है, तो इसी तरह गाना आपका फैशन है लगता है ना, ऐसे ही है क्या? तो अच्छा सा गाना फिर सुना दें। बहुत ज़बरदस्त, आउट क्लास नादिया, माशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। अच्छा रुमैसा मुझे ये बताइएगा, आपने बतौर न्यूज़कास्टर भी काम किया, बतौर एंकर भी काम किया, बतौर आरजे भी काम किया, लेकिन तीनों अलग अलग शोबों में से आपको सबसे अच्छा शोबा कौन सा लगा, जिसने आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद की? अच्छा ये सवाल मैं इस वजह से भी पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग आते हैं, आपको पता है नई लड़की लड़कियाँ वो भी जर्नलिज्म में, अब खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यही होता है या बतौर रिपोर्टर न्यूज़कास्टर या फिर जो होता है वो जाके एंकर बनना, ज़्यादातर लोग तो एंकर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने साथ रेडियो को भी अब प्रैक्टिस किया, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? स्टार्टिंग मैंने रेडियो से ही की थी,
और रेडियो ही मुझे, मैं कहती हूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रेडियो ही है, क्योंकि आपको पता है जिसमें आपको मजा आता है काम में वो आपको जो है उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो ही आप अच्छा करते ठीक हो है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं बाकी काम भी जो है वो दिल से ही करती हूँ, जाहिर सी बात है वरना करना नहीं होती। रेडियो मैं सबसे पहले उसको बोलूंगी, रेडियो को मैं आप तरजीह देती हैं, और नए आने वालों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट लें? नए आने वालों के लिए ये है कि वो ना देखिए अगर आप देखिए आपको सबसे पहले तो समझदार होना चाहिए जिस तरह ये दो आपके सामने समझदार बैठे हैं, इतनी समझदारी चलेगी क्या? हो सकता है इतनी समझदारी भी चल जाएगी। मान गया सर, मेरा तो मान गया, मेरा तो मान आप दोनों को समझदार मान रही हैं, बस ऐसे ही दोनों खुश हो गए। टैलेंटेड हैं, देखिए अब पागलों को फिर बंदा पागल ही बना सकते हैं। नहीं, आप इन्हें पागल बना रही हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान भेज रही हैं। ऐसे ही मैं तो यही कहूंगी कि आपको ना सबसे पहले आपकी अगर आपको देखना है कि आप इस काम में जा रहे हैं तो उससे रेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और उस पर काम करें। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आप अगर इसी तरह सोचेंगे कि अगर मैं एक्टिंग में चला जाऊं, एक्टिंग ना आती हो और जबकि आपकी उर्दू खूबसूरत हो तो आप न्यूज कास्टिंग में जा सकते हैं। आप कहें कि मैं जो हूँ एंकर मैं हूँ अच्छा हूँ और आप चले जाते हैं सिंगिंग की फील्ड में, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, तो इस तरह नहीं होता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है आप उसको देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उस इंटरेस्ट को आप ज्यादा अच्छे तरीके से जो है इंफॉर्मेशन गैदर करें और उस पर काम करें, तो यकीनन फिर आपकी मंजिलें आसान होंगी, मंजिलें आसान हो जाएंगी। असल में मेहनत हर शोबे का बुनियादी, और सबसे दूसरी जो सबसे अहम चीज है किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी शोबे पे कामयाब होने के लिए, वो मुस्तकिल मिजाजी है। इंसान मुस्तकिल मिजाजी से, तो एक दिन ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार करते हैं। लेकिन आपने अपनी बातों में ये कहा कि अच्छा इंसान भी बन होना चाहिए, ऐसी बात है, तो इन दोनों के बारे में इनको कुछ समझाएंगे, ये अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ प्रैक्टिस शुरू करें? बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, तो मेरा तो यही ख्याल है कि आप दोनों जो हैं कुछ दिन अलग हो जाएं, ना किसी की शक्ल देखें ना किसी से बात, एक दूसरे से बात करें। अलग भी नहीं होते ना, यही तो रोला दोनों का सबसे बड़ा मसला। अगर आप देखें आप एक कमरे में चले जाएं, आप दूसरा बंदा जो दूसरे कमरे में चला जाए, कुछ दिन अच्छा ये उसमें भी लड़ पड़ेंगे कौन से कमरे में कौन जाए, ये भी बड़ा मसला है। क्योंकि कुछ दिन अगर ये एक दूसरे की शक्ल ही देखेंगे और बातचीत ही करेंगे तो फिर आपस में कमी महसूस होगी। अच्छा नहीं, ये फार्मूला इन्होंने कुछ अरसे पहले लड़ाया था कि आप एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो थोड़ी देर बाद ही दोनों वापस आ गए। नहीं सर, ऐसे तो हम भूल जाएंगे एक दूसरे की शक्लें, मुझे याद ही नहीं रहेगा ये आमिर है और आमिर कहता है मुझे याद ही नहीं रहेगा। दोस्ती ऐसी चुप का रोजा भी रख लें। सर मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ इस बात, अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत, दोनों को रगड़ो ना तो जीन ही निकले। ये लतीफा था, वैसे शेर था, ये शेर था। नहीं, मैं इसमें मैं इनकी करेक्शन करूंगी यहाँ पर। अब आप किस दौर में रह रही हैं जनाब, अब न्यू मेकअप का फैशन है जो बिल्कुल हल्का सा टचअप होता है और जहाँ नहीं तो लड़की काली तो काला गोरा कुछ नहीं होता आपको, मेरा ये ख्याल है। कुछ लोग ये बड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स होता है वो, मैं बड़ी बात करती हूँ उसपे की बहुत सारे लोग होते हैं वो काला हूँ मैं या मेरी टोन ब्लैक है या ब्राउनिश है, इस पे बात मैं यानी मुझे बड़ी गलत बात ये लगती है। अगर आप काले हैं या अगर आप गोरे हैं ये नहीं होता, और कुछ लोग तो व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो स्किन टेक्सचर है, जो आपका स्किन कलर है ना, अगर आप उसी को मेंटेन रखें उसी को निखारें, तो अगर आप उसी को जो है ब्राइट करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा। उसको आप हल्का सा इस बार अगर लोगों की मंगनियां टूट जाती हैं और आप कह रही हैं कि ये कुछ भी नहीं है ये अच्छा मंगनियां भी टूटती हैं लोगों ऐसी, अच्छा रंग लड़की का काला था तो नंगोली लड़की जहाँ भी जाती है ना सर जी दुकान वाले को कहती है ये वाली चीज नहीं नहीं कहती है कि ये वाली चीज कितने की है, वो कहता है कि ये 50 रुपए नहीं ना 30 रुपए की थी, हर बार आपसे लेके जाती है। सोच रहे थे कि पहली बार तो आई आप। अच्छा एक्चुअली लगता है कि ये दुकानदार रह चुके हैं तो इसलिए तजुर्बा है ये तो पार्ट टाइम काम है दुकानदार का दुख इनको। सर जी वो लड़की है, एक लड़की है ना कि ये इनकी बात करो, इनके गाने जब इनकी शादी वाले गए ना रिश्ते वाले, तो वो ना ये कहती हैं कि इनको ना जब दूल्हा दिखाया ना तो वो जरा ना वाइट था, ये कहती हैं नहीं मुझे पिंक रंग का चाहिए। आपने आज के प्रोग्राम में भी देखा कि
ख़ास तौर पर रुमैसा को बुलाने का मकसद ये था कि वो बताएं कि जो नए लोग मीडिया को ज्वाइन करना चाहता आना चाहते हैं, क्योंकि रुमैसा ने बड़ी मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, इनसे कुछ टिप्स आपको पता चली, कुछ बातें पता चली, और इंसान जो होता है वो अपनी मेहनत, लगन और चाहत से ही आगे बढ़ता है। यही तीन शराइत होती हैं किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।